उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कांग्रेस ने वीआईपी के नाम का खुलासा करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं राजभवन के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, तो वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए कांग्रेस भी अड़ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ऋषिकेश में पिछले 51 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बाद आज प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे। उनका कहना है कि जब सरकार 51 दिनों के बाद भी प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंची, तो उन्हें ये राह चुननी पड़ी। 7 दिन हो गए, 7 दिन से देखो कितने अन्याय सरकार है। वहाँ पूछने तक नहीं आ रहा कोई, देखने तक नहीं आ रहा। चल रही है राज्य में वीआईपी को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट है इनकी पुलिस और इनका प्रशासन कि उसके नाम उजागर ना हो इसलिए घबराए हुए हैं। 52 दिन से ज़्यादा हो गए वहाँ आंदोलन को और 14 या 15 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को, और जब पहले वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी जो लोग बैठे उनका 7वां दिन था। आज जब किसी ने प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नर साहब के दफ्तर बाहर जाके धरना करेंगे तो शायद सुन लें। केवल छह लोग केवल, किसी को नहीं बताया, वहां जाके बैठ गए। हंगामा करना होता और उनको बुलाते, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, उनके से मारपीट हुई, उनको उठा के लाए। जयेंद्र मोला के पाँव में चोट है, बीजेपी का एक किसान मोर्चे का सदस्य है उसके पेट में बहुत चोट लगी, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एक साथी के पेट में लाते मारी गई, वो यहाँ है, आप देखिए उसकी हालत क्या है। और आज एक नया लड़का, एक नया केस और है जिसमें एनएसयूआई के एक छात्र के संग मारपीट हुई थी, और एफआईआर होने के बाद भी 7 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लगातार उसके माँ बाप पे दबाव था कि वो कंप्रोमाइज करे, और आज जब उस लड़के की डेथ हो गई तब वो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। पुलिस बुरी तरीके से बेलगाम है, और ऐसा लगता है कि कानून का राज नहीं रह गया है। हम लगातार अपील कर रहे हैं यहाँ के सीएम से कि कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धामी जी अभी और कितनी मौतें देखना चाहते हैं। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की हम बात करें, अभी यहाँ देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ, गिरफ्तार करके लाते थे थोड़ी देर में छोड़ दिया जाता, लेकिन क्योंकि हम कहीं इंद्रेस अस्पताल ना चले जाए उस बच्चे की मदद करने के लिए, उसके माँ बाप की मदद करने के लिए, हमको जबरन यहाँ रोका गया है। और हमारे संग डीजीपी के लगातार डीजीपी के इन लोगों को निर्देश मिल रहे हैं कि करण मेहरा और इसके साथियों को मत छोड़ना, ये हरकतें यहाँ चल रही हैं। डीजीपी और उसकी पुलिस बुरी तरीके से बदतमीजी में उतारू है।